तो जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रनिंग स्टेप कैसे खोल सकते हैं। रनिंग में अगर आपका स्टेप नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ ये 5 एक्सरसाइज कर लो, ठीक है। अगर आपके पास रनिंग स्टेप नहीं रहेगा तो आप अच्छे से कोई भी फिजिकल में रनिंग नहीं मार पाओगे। आपका जो टाइम है वो टाइम कम नहीं होगा। अगर आप 1600 मीटर दौड़ रहे हो या फिर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है, या फिर 10 किलोमीटर दौड़ रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा स्टेप कैसे खुल रहा है। स्टेप के अकॉर्डिंग ही हाथ भी चलता है, हाथ कैसे चलाना है और स्टेप कैसे खुलेगा उसकी मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपका इंप्रूवमेंट 100% होगा, ठीक है। अगर आप 5:40 के एथलीट हो 1600 मीटर और अगर आपका टाइम नहीं टूट रहा है तो टाइम क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि आपका स्टेप नहीं खुल रहा है, आपका नियप नहीं हो रहा, मतलब आपका पैर ऊपर उठ नहीं रहा जिसके कारण आपका स्टेप नहीं खुल रहा। तो ऐसे ही कुछ 5 से 6 एक्सरसाइज में बताने वाला हूं जिससे आपका 100% स्टेप खुलेगा। तो पूरी वीडियो में बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रनिंग वाला को, ठीक है, क्योंकि इस चैनल में आपको रनिंग से रिलेटेड 100% फिजिकल से रिलेटेड आपको टिप्स दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि रनिंग स्टेमिना हम रनिंग स्टेमिना के ऊपर भी वीडियो है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो रनिंग स्टेमिना। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि रनिंग स्टेप हम कैसे सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 बार एक्सरसाइज करने से ही ये रनिंग स्टेप कैसे खुलने लगेगा आपका। तो जादू है भाई ये एक्सरसाइज में, तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं ये पहला नंबर का एक्सरसाइज है और यह एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैं कर रहा हूँ प्रॉपर आपको भी इसी तरह से करना है, कोई चेंजेस नहीं लाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इसी से आपका टाइम कम भी हो जाएगा, आपका स्टेप भी उठने लगेगा, समझे। इसी से बॉडी स्ट्रेच होता है लेग और इसी से आपका इम्प्रूवमेंट होता है स्टेप। तो पहले नंबर का एक्सरसाइज ये था, तो इसी को प्रॉपर कीजिए 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा नंबर के एक्सरसाइज है, सेम टू सेम आपको यही करना है, कुछ चेंज मत करना नहीं तो आपका बॉडी में इंजरी आ सकता है। जैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर 2 copy 2 ऐसा ही करना है वार्म अप के बाद। रनिंग से पहले ये सब एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका इम्प्रूवमेंट आएगा भाई, तभी आएगा, ठीक है। तो इसी सबको करना है जैसे मैं बता रहा हूँ प्रॉपर इसी तरह करो, 100% इम्प्रूवमेंट आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 दिन में दिखने लगेगा। प्रॉपर करोगे तब तो प्रॉपर करो, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ जो दूसरे नंबर का एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे बॉडी के लिए, इसको किया करो। अब जो एक्सरसाइज है ये तीसरे नंबर का एक्सरसाइज है और यह एक्सरसाइज इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक्सरसाइज सभी करते हैं लेकिन गलत करते हैं। देखो मेरा पैर कितना ऊपर उठ रहा है, इसी तरह से आपको भी पैर उठाना है ऊपर, क्रॉस जाएगा हाथ, देख रहे हो जिस तरह से क्रॉस जा रहा है, इसी तरह से क्रॉस जाएगा और इसी तरह से कॉपी टू कॉपी आपको करना है। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में इम्प्रूवमेंट 100% आएगा, ठीक है। और जब जंप आपका बढ़ जाएगा जिस तरह से टो में, देखो किस तरह से टो में मेरा बॉडी उछल रहा है, इसी तरह से टो में आपका बॉडी भी उछलना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपके बॉडी ऊपर की तरफ जैसे स्ट्रेच होगा मसल्स तो ही स्ट्रेचिंग खुलेगा तो ही आपका स्टेप। अब जो चौथे नंबर का जो हाइनिंग है, इसे हाइनिंग बोलते हैं, ये चेस्ट तक अप होना चाहिए, इससे नियप होगा। जब हाइनिंग करोगे ना डेली कम से कम 30 सेकंड का 2 सेट किया करो, इससे क्या होगा कि आपका जब हाइनिंग करके आपका नियप होगा तो आप जब रनिंग करोगे तो पैर उठेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्टेप खुलेगा। तो ये चीज़ है प्रॉपर, तो हाइनिंग भी किया करो जिससे आपका स्टेप इम्प्रूवमेंट हो। जो भी एक्सरसाइज बताया हूँ बहुत इफेक्टफुल है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया हूँ, जितना आपको ज़रूरत है बस उतना ही बताया हूँ। बिगनर्स हो या फिर आप पुराने खुलेगा, ठीक है। अब जो 5वें नंबर का एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह एक्सरसाइज आप सिर्फ बैठ के भी कर सकते हैं,
बैठ के कर सकते हो ये एक्सरसाइज, ठीक है। ये एक्सरसाइज चुपचाप से, जिस तरह से मैं बैठ रहा हूँ इसी तरह से बैठना है आपको, और उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। जिस तरह से स्ट्रेच हो रहा है मेरा, इसी तरह से आपका भी स्ट्रेच होना चाहिए। यह एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक्सरसाइज आप कभी भी कर सकते हैं। आप वार्म अप किए उसके बाद एक्सरसाइज ये कर लो, ताकि आपका शेप इम्प्रूव हो। हाँ दोस्तों, जैसा कि अभी मैं आपको बताया हूँ, 5 एक्सरसाइज जिससे आपका इम्प्रूवमेंट 100% है। जो भी स्टेप खुलने के लिए एक्सरसाइज बताया हूँ वो करो, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में खुल जाएगा। तो इस चीज का बात याद रखो कि जैसे बताया हूँ वैसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। जैसे बताया हूँ वैसे करो, 100% स्टेप खुलेगा आपका, ठीक है। स्टेप खुलेगा और ऐसे रनिंग कर पाओगे आप। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको जो एक्सरसाइज बताया गया है प्रॉपर इसी टाइप से आपको करना है, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट जल्द से जल्द हो। क्योंकि एक्सपीरियंस एथलीट हूं और रनिंग वाला चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि एक्सपीरियंस एथलीट ही आपको बता सकता है कि आपका स्टेप कैसे खुलेगा। रनिंग स्टेमिना के ऊपर की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसे जाके देखो कैसे आपका रनिंग स्टेमिना इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और एक कमेंट करो कि कैसा लगा वीडियो और किसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो रनिंग वाला को, क्योंकि इस चैनल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जो भी टिप्स बताया जाएगा, वो प्रोफेशनल एथलीट और एक्सपीरियंस एथलीट से बताया जाएगा। तो चलिए आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।